हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबकाबंद। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। तो दोस्तों, आज ने एक नई वीडियो में क्योंकि हम फिर से आए हैं अम्मा की रसोई में। तो दोस्तों, हम पिछली बार आए थे तब हमने पराठे का चैलेंज किया था। अब सोच रहे हैं कि अम्मा के हाथ की रोटी भी खा के जाएं। तो और आप देख रहे होंगे, पिछली बार जब आए थे तो अम्मा ज़मीन पर बैठ के बना रही थी। अब सोशल मीडिया के थ्रू किसी ने मदद करी है, तो आप देख सकते हो, आप अम्मा को रेडी ला के दे दिए और काफ़ी सारा सामान दे दिया है। तो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी अम्मा की मदद हुई है। मैं और चाहता हूँ कि और मदद हो। तो इस बार आप आए हैं तो रोटी खा के जाएंगे। अम्मा के हाथ की जैसा पराठा स्वादिष्ट है, रोटी और सब्जी भी उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आज एकदम घर पे खा के जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। और चंदू भाई भी बहुत, और कुछ लोग भी यहाँ पे, उनको भी खिला के जाएंगे हम। और थोड़ी सी मदद लाए हैं अम्मा के लिए, हम अपनी तरफ से जितना हो सका वो भी करके जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो अम्मा की रसोई में कुछ इस प्रकार आइटम है। थाली है वो 20 रुपये की है, उसमें 2 सब्जियाँ, 4 रोटियाँ और चावल 10 रुपये के हैं। और पनीर पराठा है जो 20 रुपये का है, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा बड़ा है और अच्छा बनाती हैं। और सादा पराठा 10 रुपये का है, कोई ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है, कितना सस्ता आइटम है आप भी देख सकते हो। सर, मैं यहाँ अम्मा का ढाबा, जो पहले तो ढाबा नहीं लिखा था यहाँ पर, सादा अम्मा रोटी वाली कहते थे। तो करीबन हम लोगों का यहाँ गैरेज था मनोहर मोटर्स, उसमें 10-12 हम लड़के मैकेनिक गिरी का काम करते थे, कार ठीक करते थे। तो उस समय हमें रोटी की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और हमें कभी हरी पर्वत, कभी जाया मंडी से आगे फारे की साइड में एक आध ढाबा था, वहाँ जाना पड़ता था। तो अम्मा ने यहाँ पर ढाबा खोला, तो हमने यहाँ पर रोटी खाना चालू करा, हमें बहुत सहूलियत मिली। यहाँ पर जब MG रोड भी बहुत कम था, अब तो फुटपाथ वगैरह बन गए हैं, और यहाँ पर काफ़ी आदमी, आज प्रेस का जो आता था यहाँ पे, आज प्रेस बहुत अच्छी चलती थी उस समय, काफ़ी आदमी आता था। वो जितने भी ड्राइवर यहाँ पे अखबार ले जाने वाले होते थे, वो सब अम्मा से खाना खाते थे। और हम 10 साल की उम्र से यहाँ पे अम्मा से खाना खा रहे हैं, और आज हमारी उम्र 40 साल की होने आ रही है, और आज भी हम सुबह से हम खाना खाते हैं। अम्मा का 6-7 बजे तक ढाबा खुलता है, सुबह हम 9-8 बजे खाना खा के अपने गाड़ी चलाते हैं, टेम्पू चलाने लग गए अब, टेम्पू चलाते हैं। और शाम को फिर 6-7 बजे अम्मा जब ढाबा अपना बंद करके जाती हैं, जब भी हम शाम का खाना अम्मा के पास ही खाते हैं। हमें साहब बहुत सहूलियत मिली है यहाँ से, ढाबे से। यहाँ पर पूरे MG रोड पर भगवान टॉक से लेके आपके साई तक ही आता, कोई ढाबा नहीं है किसी भी रोड पर। अगर कोई आदमी भूखा जा रहा है तो उसे कहीं कोई खाने का ढाबा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अम्मा से हम कहीं भी होते हैं, भगवान टाके होते हैं या साई की तकिए होते हैं, ऑटो लेके अपना या बोतला होते हैं, तो ऑटो पार्किंग में खड़ा करके अम्मा के पास खाने आते हैं। साहब खाने के कोई ज़्यादा पैसे है नहीं, 20 रुपये की 4 रोटी अम्मा देती हैं, और उसमें दाल देंगी, और जो आलू की सब्ज़ी होगी, पनीर जिसकी आलू गोभी की सब्ज़ी होती है, कभी कभी अलग अलग सब्ज़ियाँ होती है रोज़ाना, कभी अलग अलग दाल होती है, अचार भी देती हैं अम्मा, हरी मिर्च भी देती हैं कहीं। और हम कभी कभी कहते हैं अम्मा हमारे पास आज 10 रुपये हैं, और आज हमारी बिक्री नहीं हुई है, तो हम अम्मा को 10 रुपये दे के 20 रुपये की रोटी भी खा जाते हैं। हम कह देते हैं अम्मा दूसरे दिन दे देंगे, तो अम्मा कहते हैं कोई बात नहीं है बेटा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जो अंकल जी थे वो अम्मा के पास करीब 10 साल की उम्र से खाना खा रहे हैं, अभी उनकी उम्र 40 साल है। तो आप देख सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 30 साल हो गई उन्हें खाना खाते हुए। मतलब उनके पास, मतलब रोटी ना होने के वजह से भी एक सस्ते में अम्मा के पास खाते थे, और मतलब भूखे नहीं रहते थे। अम्मा किसी फरिश्ते से कम नहीं है, गरीब लोगों का पेट भर रही हैं। रुपा तो एक बहाना होता है, इतना कम रुपए में एक इंसान का पेट भर रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ गरीब लोग हैं तो उन पर 20 रुपये भी नहीं हो पाते हैं। तो आज हम जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन्हें सबको खाना खिलाएंगे, और एक हमारा ज़रूरतमंद चंदू भाई, उन्हें भी खाना खिलाएंगे। Ooh.
पहले भी हम आपके पास आए थे उस दिन, आज भी आए। आज बहुत खुशी हो रही है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी ये हेल्प किसने की थी, आपकी यह मदद किसने की थी, सहायता? बहुत कर रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं बेटा, सब कर रहे हैं। आपका जो ठेला किसने दिया था? ठेला तो राहुल का लड़का का नाम है उसका, उनने दिया ठेला, कल दे गए, कल। हाँ, यूँ कह गए अम्मा ये ठेल और जो हमने सिलेंडर है चूलो मैंने दिया। तो अम्मा मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे हाँ, लोग आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। हाँ बहुत आ रहे हैं, हाँ बेटा बहुत करने आ रहे हैं। हाँ मैं खुश हूँ बेटा, तुम्हारी दुआ है बेटा सब, तुम्हारी दुआ है, तुम्हारी दुआ है बेटा सब। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अम्मा से बोला था चावल के लिए, तो पहले तो अम्मा जी मना कर रही थी चावल को लेने के लिए, तो फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा उनसे विनती करी, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, तो फिर अम्मा मेरे चावलों को लेने के लिए राजी हो गई। तो दोस्तों जैसे कि हम चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज में मतलब खाना ज़्यादातर बेस्ट ही होता है, क्योंकि हम भी नॉर्मली खाते हैं 6-7 रोटी, मतलब 4-5 रोटी, 6 रोटी। आज हम चैलेंज ना करके ज़रूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। जो कुछ भूखे लोग हैं यहाँ पर, तो उन लोगों को हम अपना मतलब अम्मा से खाना लेकर खिला रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अम्मा की रेहड़ी है, ये राहुल नाम के किसी बंदे ने बनवाई है, तो उनको भी हम अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, और थैंक यू, आपके लिए सल्यूट है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी आज की अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और आगे हम फिर से एक हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ।